अस्सलामुअलैकुम। तो आज मैं जैज़ की वो के साथ हाज़िर हुआ हूँ, जिसको हम आज अनलॉक करेंगे। इस बटन को जहन नशीन कर लें कि इस बटन को प्रेस करके किसी भी चीज़ की मदद से, और ईवो को ऑन कर देना है हमने। जब लाइट ब्लिंक करना शुरू कर दें तो उसका मतलब है ईवो डाउनलोड मोड पे जा चुकी है। तो हम इसको सबसे पहले डाउनलोड मोड पे कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ। तो ये हमारी ईवो डाउनलोड मोड पे जा चुकी है। अभी हम ईवो को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करेंगे और कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि दो पोर्ट शो हो रही हैं डिवाइस मैनेजर में, जिसका मतलब है ईवो कनेक्टेड है। अगर ये शो ना हो रही हो तो अपने ड्राइवर्स चेक कर लें, क्योंकि ये ड्राइवर्स आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने एक्जे की फर्स्ट वाली फाइल ओपन की है। ईवो डाउनलोड मोड पे कनेक्टेड है। यहाँ पे कुछ वक्त लगाएगा मोडेम की फाइल फ्लैशिंग होने में। तो सबसे पहले हम इस एक्जी की फर्स्ट फाइल की मदद से मोडेम की फाइल ईवो में फ्लैश करेंगे। तो यहाँ पे ये कुछ फ्लैशिंग का प्रोसेस हो रहा है, जिस पर तकरीबन एक मिनट लगाएगा, और यहाँ पे हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और बैकग्राउंड के शोर के लिए माजरत हुआ हूँ। तो यहाँ पर शोर है, लेकिन आप गुज़ारा कर लें। और अभी यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा प्रेस एनी की से रिलेटेड। वहाँ पर आपने कोई भी बटन प्रेस कर देना है कीबोर्ड पे, तो ये एक्जी की फाइल क्लोज हो जाएगी। इसके बाद अभी ईवो हमारी ऑन हो रही है। ऑन होने के बाद हम एक्जी की दूसरी फाइल मेन सेटअप है फ्लैशिंग के लिए, उसको ओपन करेंगे और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। ईवो अभी नॉर्मल मोड पे कनेक्टेड है, लेकिन ये सेटअप ओपन करने पे ड्राइवर इंस्टॉल होंगे और ऑटोमेटिकली ईवो डाउनलोड मोड पे शिफ्ट हो जाएगी। अगर तो एक्जी की मदद से नहीं जा रही, तो आप मैनुअल तरीके से भी डाउनलोड मोड पे शिफ्ट करके यहाँ से इसको फ्लैश कर सकते हैं। आप देख रहे हैं ईवो की लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है वो डाउनलोड मोड पे जा चुकी है और फ्लैशिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम इंतज़ार करेंगे जब तक फ्लैशिंग का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फ्लैशिंग हमारी डन हो चुकी है और ईवो अभी हमारी ऑटोमेटिकली ऑन हुई, लेकिन हम इसमें अभी कोई भी अभी जैज़ की वो है, मैं इसमें ज़ोंग की सिम डालता हूँ। तो मैं इसको भी कंप्यूटर से डिस्कनेक्ट करूँगा और इसमें कोई भी सिम डालूँगा, जैसे कि ज़ोंग की सिम डालूँगा। तो चलें फिर सिम डालते हैं ईवो में। बैटरी डाली, अब इसको डायरेक्ट ऑन करेंगे और ऑन करके मैं आप लोगों को चेक करवा देता हूँ। कंप्यूटर के साथ लगाया और ये हमारा ईवो का मेन पेज ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पे आप लोगों को मैं चेक करवा देता हूँ कि ये ज़ोंग की सिम इसने ओपन कर ली है और ईवो अनलॉक हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर तो वीडियो आप लोगों को पसंद आए और आपका दिल मुतमिन हो मेरे काम से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह ताला हमारा हमारे मुल्क का हामी और नासिर हो, और अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अल्लाह हाफिज़।